हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू डिकी डीजी ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है डे टू किस चीज़ का? कल गए थे ना वैक्सीन लगाने, तो आज पक्का लग जाए वैक्सीन, तो वही हम होप करते हैं। और मामी जी भी गांव से आए हैं, तो रोज़ आना जाना नहीं हो पाता शिमला में, तो हमने सोचा क्यों ना मामी जी का जनरल चेकअप भी करवा ले इस बहाने। तो बस अब निकलना है, रेडी हो गए मैं और अक्षय भाई इनके घर पे। ओके फिर नानी जी, बाय बाय बाय। ओके बाय, जल्दी आए। हाँ जी, इंजेक्शन लगा के जल्दी आए। ऐसे नहीं कि भाई घबराना नहीं है, इंजेक्शन में कुछ नहीं। डर तो बहुत लग रहा है। कोई डर नहीं है, आराम से तसल्ली से। ठीक, आए हम ना। ओके बाय बाय। ठीक है, बाय। चलो जी निकलते हैं फटाफट, काफी लेट हो गए। बचपन से मैं भी आऊं, हाँ। मम्मी भी आए, हाँ जी। तो एक सवाल मम्मी से, हाँ जी। भाई ये कितनी सीढ़ियां हैं? हाँ, कितनी सीढ़ियां? हाँ, कोई आइडिया नहीं है। नहीं आया अंदाजा? अंदाजा क्या लगता है होगा? हाँ, 100-200। 100-200? एक बताओ ना। 200? मम्मी के लिए तो ये सीढ़ियाँ 200 के बराबर है। मान सकते हैं हम ये बात, क्योंकि एक एक सीढ़ी में काफी मेहनत करनी पड़ती है जी। एक पॉइंट ये है, यहाँ तक बोलो तो आप टैक्सी आती है, इससे नीचे तो फिर सीढ़ी आए। और हाँ, सीढ़ियों की बात आई तो अक्षय भाई, हाँ। सीढ़ियाँ बोले क्यों नहीं पता, आइडिया लगा पाता बंदा? हाँ। थक कितना जाता है जीने का कम। हाँ, वैसे कोई चिंता नहीं है, बट फिर भी है, बहुत है चलने, बहुत ज़्यादा है। और मैंने गाड़ी ऐसी लोकेशन में लगाई है ना। कहाँ पे लगाई? यहाँ से ऊपर देखो तुम। नहीं, है यहीं पे। अच्छा, जगह बड़ी खतरनाक है। चलो देखते हैं, ऐसे लगेगा तुझे प्रॉपर पार्किंग में लगिएगा। तो ये है वो लोकेशन, अगर बंदा थक भी जाए तो ऊपर जाके बैठ जाएगा। प्रॉपर पार्किंग बोलते हैं इसको, मतलब एकदम लगी हुई है। लकली मिल गई, पर वापसी में पता नहीं मिलेगी कि नहीं। तो जी ऐसे आती है दूध ब्रेड की गाड़ी नीचे तक, और यहाँ से नीचे को डिस्ट्रीब्यूट होता है दूध ब्रेड। इतने भी मतलब नीचे वाले लोग हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत शॉप से नीचे। तो जी यहाँ पे इतना जाम होता है कि बंदा शोगी से विकास नगर पहुँच जाता है, पर यहाँ से ऊपर नहीं पहुँच पाते हम आसानी से। एक स्कॉर्पियो वाले ने तो वहीं लगा दिए। बताइए, आधा घंटा लग गया वहाँ से निकलने में। ये है विकास नगर की लाइफ, शिमला की लाइफ। काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है यहाँ पे, इसलिए आधा घंटा लग गया। कार पार्क कर दी हमने हैप्पी हैप्पी अंकल की जगह, क्योंकि अंकल बैठे नहीं अभी। तो बस हम निकलते वैक्सीन लगाने। निकल जानी चाहिए। हाँ, निकल जाएगी। तो बस एंट्री कर रहे, वैक्सीन फटाफट लगवाते हैं। तो हम लोग डिस्पेंसरी के अंदर है, हमेशा की तरह अभी ध्रुव पहले लगाएगा इंजेक्शन, देखते हैं इसका रिएक्शन। और उम्मीद तो ये है कि व्हाट आर आई, एक्सपीरियंस तो हो चुका है तो पहले कुछ नहीं हुआ, तो उम्मीद यही है कि अभी भी कुछ नहीं होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू मी एंड अक्षय भाई आल्सो। वैक्सीन लगाने से पहले ध्रुव काफी नर्वस हो चुका है, इसको पता ही नहीं चल रहा कहाँ बैठना है। 1, 2, 3 लो जी, वो भी गया। अब आ गई अपने अक्षय भाई की बारी। वैक्सीन हुआ कुछ फील? हाँ, क्या फील हुआ? जो सुई लगा के होता है। तो जी गोलियां भी दे दी है कि बुखार ना आ जाए। हमारी शक्लें देख के सोचा होगा कि बुखार आएगा इनको, तो इट्स बेटर के पहले इनको बुखार की गोली दे दो। तो बढ़िया है, खा लेंगे एक एक गोली भाई। फाइनली सेकंड डोज। यस यस, जब पहला लगाना था ना, तो हम लोगों को ये टेंशन हो गई थी, सबने लगा दिया हमने नहीं लगाया, और इतना घूमते हम वॉकिंग करते हैं। तो आज तो भाई, आज तो हम गर्व से बोल सकते हैं कि वी आर टोटली वैक्सीनेटेड। यस, ध्रुव की इम्यून सिस्टम और अब मेरा गला ठीक हो जाएगा। मम्मी कब से वेट कर रहे हैं, और चलते हैं। और उनका भी यार, मामी जी ने ना कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उनको टेस्ट करवाने खाली पेट। तो हमने सोचा है मम्मी को झूठ बोलेंगे, आज नहीं लगा तो कल बुलाया है, देखते रिएक्शन उनका। नहीं लगा? कहाँ लगा यार, क्यों? अब बोलते कल आओ। तो मतलब कल कल करते करते समय नहीं आ रहा, इतना वेट करवाया हमें और बोलते कल कल। फिर मैंने कहा यार मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना ऊपर, मैं कहा मैं चला। तो ये है जी वो गोलगप्पे वाले, जहाँ पे मैंने अभी पिछली बारी गोलगप्पे चैलेंज भी किया था, कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ से पूरी रेडी लेके जाते हैं आगे तक, और घर से बना के लेके आना, और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब जो स्टार्टिंग से इन्होंने अच्छा बना रहे हैं। ये भी बहुत टाइम हो गया हमने खाए नहीं, वापसी में मम्मी को लेके हम गोलगप्पे खा सकते हैं। गुड आइडिया, गोलगप्पे चैलेंज करना होगा तो देख लेना। हाँ,
चल ठीक है, ये भी डन। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तो पार्किंग नहीं मिल रही हॉस्पिटल के बाहर, पीछे कहीं गाड़ी लगाते, तो अभी तो सिर्फ टेस्ट कराना है, तो जाते फटाफट टेस्ट कराते। ड्रिंक कंटिन्यू है, मम्मी को नहीं पता है, को नहीं बताया कि नहीं वैक्सीन। तो जी यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है, यहाँ पे कार खड़ाई है हमने और यहाँ से वहाँ तक जाना है वो सामने बिल्डिंग तक। और ये तेंजिन हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफी बड़ा और फेमस हॉस्पिटल है शिमला का। काफी सुना है तेंजिन हॉस्पिटल के बारे में, काफी अच्छे से चेकअप होता है सिस्टमेटिक वे से। थोड़ा महंगा है बट अगर आपका काम अच्छे से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सोचना चाहिए पैसे खर्चने के लिए। और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। मेरे को एक और चीज याद आई, जैसे आज हम मम्मी को लेके आए हॉस्पिटल, तो हम चाहते हैं आप लोग भी जो है ना साल में एक बार ही अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाओ। जनरल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या बीमारी हो रही है क्या नहीं हो रही। वैसे, तो जब वैसे तो ना रिकमेंड किया जाता है 40 प्लस को करवाया जाए, बट अगर जितना हो सके सारे एज ग्रुप वाले करवाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है वैसे इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और इतनी बीमारियाँ हो रही है, तो इट्स बेटर अगर हम खुद से अपना ध्यान रखें। और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Few moments later. तो भाई कुछ कह रहे थे मम्मी, आप क्या कह रहे थे? ब्लड के तीन शीशियां निकाली थी। ब्लड की मम्मी कह रही है ब्लड की तीन इतनी शीशियां निकाली है, खून की कमी हो गई है और खाली पेट भी आई है। तो हमारे टेस्ट हो चुके हैं, एक रिपोर्ट कल मिलनी है, तो हमने सोचा क्यों ना कल आया जाए, फिर उस रिपोर्ट को कलेक्ट करने तो आना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम पे फिर वो दिखा भी देंगे डॉक्टर को, ठीक है कल। तो वैक्सीन भी फिर कल ही लगवाते हैं। हाँ फिर कल ही लगवाएंगे यार, अगर लगती है आज तो क्या पास जरूरी है कल की लगेगी। तो आज कहाँ लगेगी, आज अभी थे ही नहीं, वही केस तो नहीं लगते, वही से पूछना पड़ेगा ना। लग रही है तो आए हुए तो है, तो कल भी तो आना है हमें, घर से तो निकलना ही पड़ेगा बाहर। हाँ कल लगवा लेंगे। बाकी एक टेंजिन के सामने से व्यू आता है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है शिमला इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है व्यू देखने में। हॉस्पिटल जाना तो किसको अच्छा लगता है, बट जनरल चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सेवी भाई, हेलो सेवी, हेलो सेवी, अपना तो है जहाँ भी जाओ सेवी को ढूंढते हैं हम। क्या बात है। अच्छा तो भाई ऐसा है मम्मी, हम कल आएंगे फिर, डन है, वैक्सीन भी लगा लेंगे। और मेरी बाजू में दर्द जैसी तो है थोड़ी सी, मेरे भी है दर्द इस बाजू में, दर्द पहले लगी है वैक्सीन भी लगी, इतनी दर्द लगे मैंने जिसके इसे इतनी सिरिंज निकाले थी था। तो मम्मी हमने वैसे लगा लिया वैक्सीन, हो गया वैक्सीन हमारी लगा, तो मैं सी आपके साथ प्रैंक मजाक कर रहे थे आपके साथ। हाँ हो गया है कब का, निकलते हैं आगे विकास नगर में गोलगप्पे खाते हैं। मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ध्रुव ने कंपटीशन भी करना है गोलगप्पे का, तो दोनों बातें एक साथ देखते हैं कौन जीतता है गोलगप्पे चैलेंज। तो मिलते हैं डायरेक्ट गोलगप्पे वाले के पास। तो जी अपने गोलगप्पे वाले से ऐसा व्यू आता है सामने, तो विकास नगर का व्यू, और यहाँ पे हमारे गोलगप्पे वाले अक्षय भाई ने अपनी कार खड़ा दी है, हमने हाथ सैनिटाइज कर लिए है, अब होगा हमारा गोलगप्पा चैलेंज। मम्मी तो पापड़ी खा रहे हैं, हम पापड़ी भी खाएंगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं गोल मेरे को बस गोलगप्पे खाने हैं। तो पहले भी मैंने यहीं पे चैलेंज लगाया था उज्ज्वल के साथ, तो आज अक्षय भाई को चैलेंज करता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस तो हो रखी है ऑलरेडी। ये जो भैया है, भैया हम बचपन से इनको जानते हैं और जब स्कूल टाइम से थे गोलगप्पे इनके पास खा रहे, तो पहले वो वहाँ बैठते थे आगे जहाँ दिखाया था आपको, पर अब शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और गोलगप्पे इतने स्वाद क्या मैं बताऊँ। क्यों शिफ्ट हुए? हाँ बताओ मम्मी को क्यों शिफ्ट हुए। ये वो शिफ्ट हुए ना, शॉप्स मिल रही है ऊपर जो साइड में। अच्छा। तो आपको नहीं मिल रही क्या वहाँ पे? नहीं, मिल जाएगी मिल जाएगी ना, चलो अच्छा है फिर, जो नीचे शॉप्स बनी है वहाँ पे भैया मिलेंगे। तो मैं शैलजा जी, रुबीना जी, ज्योतिका, हमारा पूरा परिवार यहीं शुरू से गोलगप्पे खा रहा है, और मैं दावा करता हूँ कभी शिमला आओ तो विकास नगर में ज़रूर खाना। मैं पूरे इंडिया में गोलगप्पे खा चुका हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, यहाँ का टेस्ट कुछ अलग ही है। मम्मी स्पेशली यहाँ पे पापड़ी खाने आए, मम्मी आपको क्या अच्छा लगता है पापड़ी? पापड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं पहले से ही शुरू से ही पापड़ी खाती हूँ।
चल भाई अब हमारा कंपटीशन शुरू होने वाला है, पांच पांच डाल दो तो देखते कौन जीतता है। नहीं जीतूंगा। ये पिछली बार कह रहा है उज्जवल जब हारा था तो वो कंप्लेंट कर रहा था कि पानी पहले डालने से ना वो टूट रहे, तो भैया कह रहे आज ठंड है तो आज नहीं टूटेंगे, तो होप सो कि मैं ही जीतूं इस बार भी। लो भाई ध्रुव की प्लेट आ गई, तो ये है मेरी प्लेट, स्ट्रेटेजी बना रहा था। तू सोच तब तक दिमाग लगा, मैं तो बस जीतना है अपने को। ठीक है थ्री के काउंट पे, ठीक है पांच है ना, दो वन टू थ्री गो। कैसा लगा? खाने में यही जीतेगा हमेशा। व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो मेरे से हारा था वो पता नहीं कैसे मैं जीत। ये ऑब्वियसली प्रेमी, अभी भी खत्म नहीं हुए, दोनों हाथ में लड्डू। जल्दी जल्दी खाने वाला मैं हार गया, पर ज्यादा खाने वाला मैं जीत गया। अभी तक खा रहा हूँ। और पार्किंग में लगा लिए, अब हमें नीचे जाना है। हाँ हाँ बहुत बेस्ट लगी है कार। तो आज हमें एक और हमारे सब्सक्राइबर मिले, सब्सक्राइबर नहीं बोल सकते आप, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। हम विकास नगर में रहते हैं तो हर एक चेहरा बहुत नोन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ये सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये लोग बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, मैं तो मतलब डेली अपडेट देख रही हूँ, दो घंटे पहले अभी आया एक घंटे पहले अभी आया, फटाफट देखा, मतलब एक काइंड ऑफ होता है ना कि अपने लोग हैं। राइट राइट। और मतलब स्पेशली ये लोग जैसे शिमला के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनकी दादी हाँ, तो आपको मैं एक और अपडेट देना चाहता हूँ, इनसे मेरे को याद आया कि हमारा व्लॉग अब डेली आ रहा है और 3 बजे आता है रोज, तो आप इंतज़ार कीजिए 3 बजे का। और कई बार पूछते हैं कि कब आएगा, आज आएगा कि नहीं आएगा, डेली आएगा और 3 बजे, मतलब ये वाला 3 बजे 3 बजे। क्यों पकड़ा है? ओ चूजा चला गया अंदर। क्या कर दिया? मुर्गी का बच्चा। कहाँ है बच्चा? ओहो, इसको क्यों पकड़ा है? इसको बुला रहा है। अच्छा ये बुला रहा है उसको? किसका दिमाग था ये? मेरा। वाह यार इतना तेज दिमाग ऐसे चला दिया। आ रहा है वो। ओहो दिब्बू भाई, तो दिव्यम आ गया है स्कूल से, सेंट एडवर्ड स्कूल, और हम भी पहुंच गए ऊपर। नानी पता नहीं क्या कर रहे, नानी ढाटू लगा रहे अपना। नानी कुछ ना मेरे को देने की बात कर रहे थे, गिफ्ट, अब पता नहीं क्या गिफ्ट है तो उनसे पूछता हूँ मैं। हाँ जी, तो नानी फाइनली आ गए हैं। आ गए भाई? हाँ जी आ गए जी। अच्छा। लगा लिया जी वैक्सीन। हाँ जी चलो बढ़िया है ना। तो क्या गिफ्ट देना है आपने मेरे को? ये मेरे को गिफ्ट कुछ गिफ्ट क्या ये मेरे को जाना पहचानी आइटम लग रही है। ये वो ऊन है? गिफ्ट कुछ नहीं है, ऐसा ही है फिलहाल, है ना। नहीं बहुत सुंदर बनाया नानी ने मेरे लिए मफलर। हाँ जी, तो दादी ने ये इतना खूबसूरत जो है खुद बुना है, आप देखो बुनाई किस तरह से की है। मैंने अपने धोते के लिए धोता है, मेरा ये बेचारा मेरे लिए बनाई है। कैसा लग रहा है? तू पहन के दिखा। मैंने कि भाई हाँ दादी बच्चा है। हाँ जी बच्चा है। और इसके ऊपर थोड़ी दिक्कत आई है, वो ईश्वर प्रभु इसको सुख शांति दे, पूरी उम्र भर धन्यवाद। तो कैसा है, गर्म है? काफी अच्छा है। तो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि नानी एक मेरे लिए ऊन का कुछ बनाओ, तो नानी ने बिल्कुल मना नहीं करा, बोला ऊन ले आ मैं तेरे लिए बनाती हूँ। तो नानी का प्यार बहुत ज्यादा है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और चूड़धार जाने से पहले ऊन दी थी आपको, दिखाया था, और चूड़धार से आए हुए हमें अभी सिर्फ हफ्ता हुआ है और ये तैयार है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ तैयार कर दिया होगा दादी ने, ये फ्री टाइम में ये बना दिया, एक डेढ़ दिन में कर दिया। क्या बात है, एक डेढ़ दिन में। और बताओ कैसे लग रहा है गाइस? कलर तो बहुत अच्छा है, बना भी अच्छा है, और एक निशानी है। और क्या, दिव्यम ऊपर आना नहीं चाह रहा, स्कूल ड्रेस नहीं दिखाना चाहता है। दिव्यू भाई, ओ भाई स्कूल ड्रेस दिखा दो, लगे पता कि पढ़ता लिखता है हमारा लड़का। एडवर्ड्स का वैसे तो क्या बात है, क्या बात है, स्मार्ट लग रहा है। तो भाई कैसा रहा आज का दिन आपका? अच्छा रहा बहुत। मास्क उतार सकते हो आप? मास्क उतार के शक्ल है, स्मार्ट लड़का, क्यूट लड़का। तो देखो भाई
मुझे क्या मिला, क्या है ये, क्या बात है। आदि बताएगी इसकी कहानी, बचपन में जो मैं चोरी कर करके खाता था, चोर मक्खन चोर कन्हैया लाल। तो नानी मैंने सुना है कि आप बहुत छुपाते थे ये अक्षय भाई के डर से। जो डाकू जैसा है नहीं, मेरे पास जो आया नहीं छोड़ने दिया, नहीं ऐसा चोरी करता था ना, शरारती इतनी करता था ना, इसको तो मैंने थप्पड़ जैसे लगा। तो दादी ना जब भी पहले ना मैंने ये देखा कि ये पाउडर होता है गांव में, दूध भी होता था, ये भी होता था, तो एक बारी मैंने वैसे ही खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दादी ना छुपाती थी मुझसे कि यहाँ छुपा दिया वहाँ। मैंने देखना कि दादी जब मेहमान आते ना, इन्होंने चाय बनानी, रखना कहाँ, ये वहाँ नहीं रखते थे, जगह चेंज करते रहते थे। तो हमने एक बार स्कीम बना दी, हमें मिला इतना बड़ा पैकेट, जो इसका बड़ा पैकेट होता है। तुरबी दीदी, मैं, डैश दीदी, हम सब ने स्कीम बनाई, एक बंदा अंदर जाएगा, जितना वो खा सकता है वो पूरा मुंह भरेगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर वो लोग चौकीदारी करेंगे, एक एक करके हम अंदर बाहर जाते रहेंगे। तो वो इतना बड़ा पैकेट हमने इतना कर दिया था। क्या बात, तब से दादी छुपाती थी वो चीज हमसे। अक्षय भाई है पाउडर चोर। मैं मक्खन भी खाता था चुरा के। शरारते बच्चे ही करते, और किसने करनी, बुड्ढे ने नहीं करनी शरारते। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, नानी ने हमें, अच्छा हाँ, सब कजन्स को ये चेन दी है। हाँ, ये चेन गिफ्ट करी है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दादी का। दादी ने ये इसलिए दी है कि एक निशानी दादी की तरफ से सबके पास होनी चाहिए। तो दादी का बहुत बड़ा दिल है, सबको इक्वल देखते हैं, तो इसलिए सबको एक जैसी, चाहे रूबी दीदी है, चाहे मैं हूँ, या साहिल है, या कोई भी, सबको ये चेन दी है। मैंने कुछ नहीं दिया, ईश्वर ने दिया, इस प्रभु ने, ये शक्ति इसकी है, भगवान जिसने हमारे पास कुछ दिया है। तो जी अब काफी टाइम भी हो गया है और लेट हो गया, और वैक्सीन लगाई है, तो मेरे को बड़े डर है कि बुखार ना आ जाए। दवाई भी दिए साथ में, कि दवाई लेके जाओ तुम। तो अब इसी नोट में इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे टेक इट इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स।